अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मारिया खान amana.com के प्लेटफॉर्म से। आज जो प्रोजेक्ट मैं अपने व्यूअर्स के लेकर आई हूँ और जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं, उसका नाम है लाहौर स्मार्ट सिटी। और इस वीडियो के बारे में डिटेल्स जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बाकी लोगों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं लाहौर स्मार्ट सिटी के इंट्रोडक्शन से। तो लाहौर स्मार्ट सिटी बेसिकली लाहौर में लोकेटेड है और कैपिटल स्मार्ट सिटी के बारे में भी जैसे आप सब लोग जानते हैं कि वो एक बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है और उसके अलावा ये हबीब रफीक लिमिटेड का प्रोजेक्ट है। और सेम लाइक दैट लाहौर स्मार्ट सिटी भी लाहौर में बनाया जा रहा है और यहाँ पर भी वो तमाम फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाएंगी जो एक स्मार्ट सिटी में प्रोवाइड की जाती हैं। और अब लाहौर स्मार्ट सिटी के मास्टर प्लान के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर रेजिडेंशियल और कमर्शियल यूनिट्स मौजूद हैं डिफरेंट प्लॉट साइज़ में। तो अगर रेजिडेंशियल यूनिट्स की बात की जाए तो यहाँ पर 7, 8, 4, 5, 12 मरला और 1 कनाल के प्लॉट्स मौजूद हैं। और अगर अब हम लाहौर स्मार्ट सिटी के कमर्शियल यूनिट्स के बारे में बात करें तो यहाँ पर 4, 8 और 12 मरला के प्लॉट्स मौजूद हैं जो कि लिमिटेड बुकिंग्स पे अवेलेबल हैं। और रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्लॉट्स बुक करवाने के लिए जो कि तमाम बहुत ही लिमिटेड बुकिंग्स पे मौजूद हैं, आप हमसे जब चाहें amana.com के दिए गए नंबर के ऊपर, हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू, हमारी वेबसाइट के थ्रू हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और अब बात करते हैं उन तमाम फैसिलिटीज़ के बारे में जो लाहौर स्मार्ट सिटी अपने क्लाइंट्स को और अपने रेजिडेंट्स को प्रोवाइड करने वाले हैं। सो यहाँ पे जो कुछ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाएंगी, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं लाहौर स्मार्ट सिटी एक गेटेड कम्युनिटी है और ये इको फ्रेंडली है, वहाँ पर बहुत ही क्लीन एनवायरनमेंट होगा, वहाँ पर मेट्रो बस सिस्टम है, साथ ही साथ 24/7 सिक्योरिटी सर्विलेंस, 24/7 इलेक्ट्रिक सप्लाई, स्मार्ट कैमराज विद ऑब्जेक्ट रिकग्निशन, 5-star होटल्स, शॉपिंग मॉल्स, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, कम्युनिटी क्लब, जिम, स्पाज, हॉलीडे रिजॉर्ट, स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी, हॉस्पिटल्स और उसके अलावा डेजिग्नेटेड रूट फॉर M2 मोटरवे, गोल्फ कोर्स और हॉर्स राइडिंग क्लब। ये तमाम फैसिलिटीज़ लाहौर स्मार्ट सिटी में प्रोवाइड की जाएंगी और उसके अलावा और भी कई ऐसी फैसिलिटीज़ हैं जो यहाँ पर मौजूद होंगी। और अब बात करते हैं लाहौर स्मार्ट सिटी की लोकेशन के बारे में। तो लाहौर स्मार्ट सिटी एक बहुत ही आइडियल लोकेशन के ऊपर मौजूद है और ये काला शाह काकू इंटरचेंज जो कि लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे के ऊपर मौजूद है, उसी के रास्ते में आता है। और इसके अलावा और भी कई ऐसे फैक्टर्स हैं जो उसकी लोकेशन को एक बहुत ही ज़बरदस्त लोकेशन बनाते हैं, जैसे कि यहाँ पर हाईवेज़ बहुत करीब हैं, यूनिवर्सिटीज़, स्कूल्स, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स, मेन सिटीज़ बहुत ही क्लोज प्रॉक्सिमिटी में हैं। उसके अलावा ये शहर के शोर शराबे से काफ़ी हट कर है और बहुत ही ईजीली एक्सेसिबल है एयरपोर्ट से, रेलवे स्टेशन से, मेट्रो से और उसके अलावा पब्लिक ट्रांसपोर्ट से। यही फैक्टर्स हैं जो लाहौर स्मार्ट सिटी की लोकेशन को एक बहुत ही आइडियल लोकेशन बनाते हैं। और उसके अलावा अलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी तकरीबन आधे घंटे की ड्राइव पर है लाहौर स्मार्ट सिटी से, और उसके अलावा कुछ ही मिनट लगते हैं वॉलेट सिटी ऑफ लाहौर फ्रॉम लाहौर स्मार्ट सिटी। और साथ ही साथ और कई ऐसे लैंडमार्क्स हैं जो उसकी विसिनिटी में, लाहौर स्मार्ट सिटी की विसिनिटी में मौजूद हैं, जैसे कि यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर। तो ये तमाम फैक्टर्स एक्सप्लेन करते हैं कि लाहौर स्मार्ट सिटी कितनी आइडियल लोकेशन के ऊपर मौजूद है। और अब बात करते हैं लाहौर स्मार्ट सिटी के डेवलपर्स के बारे में। तो लाहौर स्मार्ट सिटी HRL हबीब रफीक प्राइवेट लिमिटेड का प्रोजेक्ट है और इसके डिज़ाइनर्स हैं सरबाना जरोंग, SJ के नाम से भी जाने जाते हैं। तो लाहौर स्मार्ट सिटी के जो डेवलपर्स हैं उन लोगों का ऑलरेडी एक और प्रोजेक्ट भी मौजूद है कैपिटल स्मार्ट सिटी के नाम से, जो कि बहुत ही वेल नोन प्रोजेक्ट है और ऑल ओवर द वर्ल्ड ये एक फेमस प्रोजेक्ट है। बहुत से इसके क्लाइंट्स हैं, कस्टमर्स हैं जो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं। और उसके अलावा हबीब रफीक लिमिटेड ने और भी कई ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो डिलीवर किए हुए हैं, जैसे कि इस्लामाबाद कन्वेंशन सेंटर, उसके अलावा DHA और मोटरवे रोड्स के ऊपर भी ये लोग काम कर चुके हैं। बेसिकली ये बहुत ही क्रेडिबल डेवलपर्स हैं और साथ ही साथ ये वेल रिनोन भी हैं। और अब बात करते हैं लाहौर स्मार्ट सिटी की लीगैलिटीज़ और NOC के बारे में। तो लाहौर स्मार्ट सिटी एक कम्प्लीटली लीगल प्रोजेक्ट है, इनको अप्रॉक्सीमेटली 3-4 मंथ्स पहले ही अपना NOC रिसीव हुआ है, तो ये कम्प्लीटली लीगल प्रोजेक्ट है। और अब बात करते हैं बुकिंग प्रोसीजर की। और बुकिंग प्रोसीजर को एक्सप्लेन करने से पहले मैं अपने व्यूअर्स को इन्फॉर्म करना चाहूँगी कि जो लाहौर स्मार्ट सिटी के रेजिडेंशियल यूनिट्स हैं उसकी बुकिंग स्टार्ट होती है 10% से, और इसके जो कमर्शियल यूनिट्स हैं उसकी बुकिंग स्टार्ट होती है अप्रॉक्सीमेटली 20% से। और कीप दिस इन योर माइंड कि ये बहुत ही लिमिटेड इन्वेंट्री है और जितनी जल्दी इसका आप फ़ायदा उठा सकते हैं उतना ही बेहतर है। और बुकिंग प्रोसीजर की तरफ आते हुए, बुकिंग के लिए चाहिए होंगी 2 CNIC कॉपीज़ और 2 पासपोर्ट साइज इमेजेस मेन एप्लीकेंट की, और 2 CNIC कॉपीज़ और 2 पासपोर्ट साइज इमेजेस नॉमिनी की। तो व्यूअर्स, ये थी लाहौर स्मार्ट सिटी की एक स्मॉल बहुत ही प्रिसाइज ओवरव्यू वीडियो। और लाहौर स्मार्ट सिटी के बारे में और भी कई ऐसी डिटेल्स हैं जिसके बारे में हम आपको टाइम टू टाइम आगाह करते रहेंगे। और उसके अलावा रावलपिंडी और इस्लामाबाद में और कई ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि क्रेडिबल डेवलपर्स के प्रोजेक्ट हैं, लीगल प्रोजेक्ट्स हैं और बहुत ही अच्छी इन्वेस्टमेंट रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उसके ऊपर वीडियोस हमारे ही चैनल के ऊपर मौजूद है, आप वो भी देख सकते हैं। और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को आगे शेयर कीजिए बाकी लोगों के साथ भी। और इसी तरह के कंटेंट को देखने के लिए डू नॉट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन, ताकि जब भी कोई नई वीडियो हम लोग पोस्ट करें तो आप लोगों को उसके बारे में पता चल सके।
और अगली दफा तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज। अमानत.com पाकिस्तान फर्स्ट इन्वेस्टमेंट पोर्टल, मशवरा अमानत है।